नमस्कार। इस सप्ताह के बिजनेस और फाइनेंशियल अपडेट के साथ मैं मनोज लांबा एक बार फिर हाजिर हूं। रिलायंस इंडस्ट्री ने इस हफ्ता शुक्रवार को एक नया इंट्राडे हाई बनाया, रिकॉर्ड इंट्राडे हाई। जी हां, रिलायंस के शेयर ने इंट्राडे के दौरान शुक्रवार को बाज़ार में नई ऊंचाइयों को छुआ और ऐसा माना जा रहा है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि रिलायंस ने सिक्स्थ राउंड ऑफ फंडिंग रेज करने की बात की है। छठी बार रिलायंस फंड रेज करने जा रही है अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म जियो के लिए। जी हाँ, जियो प्लेटफॉर्म के लिए रिलायंस सिक्स राउंड ऑफ फंडिंग लाएगी, जिसमें रिलायंस जियो को NSE पर और BSE पे के अलावा विदेशी एक्सचेंजेस पे भी लिस्ट कराने की बात की जा रही है मुकेश अंबानी जी के द्वारा। तो रिलायंस का शेयर नई ऊंचाइयों पर, नई बुलंदियों पर इस हफ्ता देखा गया। दूसरी बड़ी खबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को एक जवाब देते हुए कहा कि वो बैंकों को फोर्स नहीं कर सकती कि मॉरिटोरियम पीरियड का वो इंटरेस्ट वेव कर दे। जी हाँ, ये भी एक बिजनेस जगत की बहुत बड़ी खबर है जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने RBI को क्लैरिफाई करते हुए कहा है कि वो बैंकों को फोर्स नहीं कर सकती कि और मॉरिटोरियम पीरियड का इंटरेस्ट वेव कर दिया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो इससे भारतीय बैंकों की फाइनेंशियल वायबिलिटी बुरी तरह प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही साथ डिपॉजिटर्स का पैसा भी संकट में आ सकता है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट वेवर दिया जाता है तो यह राशि लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए होगी, जो भारतीय GDP का लगभग 1% है। तीसरी बड़ी खबर, द गवर्नमेंट फर्दर रिवाइज द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस की डेफिनेशन को एक बार पुनः चेंज करते हुए भारत सरकार ने मीडियम इंटरप्राइजेस की डेफिनेशन को बदला है और मीडियम इंटरप्राइजेस की डेफिनेशन कई टर्नओवर और कैपिटल इन्वेस्टमेंट का दायरा बढ़ाया गया है ताकि थोड़ी बड़े लेवल पर वो बिजनेस कर सकें, थोड़ा अपने आप को मजबूत बना सकें, लिस्टिंग के प्रावधानों का फ़ायदा उठा सकें। इसके लिए भारत सरकार ने केवल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए टर्नओवर की सीमा को 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए कर दिया है और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट की लिमिट को 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया गया है। चौथी बड़ी खबर, कैबिनेट हैज अप्रूव्ड 5000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस थ्रू फंड्स ऑफ फंड्स। दिस हैज बीन डन टू हेल्प दी MSME टू गेट लिस्टेड ऑन दी स्टॉक एक्सचेंजेस। कैबिनेट ने, यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री ने MSME के लिए जो 50,000 करोड़ रुपए के इक्विटी इन्फ्यूजन फंड की बात हो रही थी उसको अपनी मंजूरी दे रही है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब ये प्रस्तावों को मंजूरी दी जा रही है। 50,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा, यह फंड्स ऑफ फंड होगा और ये हमारे भारतीय माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को हेल्प करेगा अपने आप को लिस्ट करने के लिए भारतीय शेयर बाजारों में। SME अब अपने आप को लिस्ट करके इक्विटी जुटा पाएंगी अपने लिए, अपना पैसा जुटा पाएंगी जनता से भी। पांचवा बड़ा सुझाव, ये टैक्स से है। CBDT नोटिफाइड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, मेकिंग सर्टन मोर इन्फॉर्मेशन कंपलसरी। जी हाँ, CBDT ने असेसमेंट ईयर 2021 के इनकम टैक्स के फॉर्म नोटिफाई कर दिए गए हैं और इन फॉर्म में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिसमें है कुछ महत्वपूर्ण बदलाव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपका 1,00,000 रुपये सालाना से ज़्यादा है तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अब कंपलसरी रूप से भरनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप विदेश यात्रा के शौकीन हैं और आपने पिछले साल में विदेश यात्रा की है और अपने ऊपर या किसी और व्यक्ति के ऊपर विदेश यात्रा में 2,00,000 रुपये से ज़्यादा खर्च किए हैं तो ऐसे में भी आयकर विवरणी आपको कंपलसरी रूप से भरनी होगी। तीसरा, आपने अपने किसी भी करंट अकाउंट में
पिछले साल में एक या एक से अधिक करंट अकाउंट में अगर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि जमा कराई है तो भी आपको अपनी रिटर्न कंपलसरी रूप से भरनी होगी। इतना ही नहीं, अगर ये राशि आपने की है और ये राशि 1 करोड़ रुपया, 2 लाख रुपया या इलेक्ट्रिसिटी बिल के केस में 1 लाख रुपये से ज़्यादा है तो आपको ये राशि का ब्यौरा भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हुए देना होगा। इसी तरह से इनकम टैक्स ने फॉर्म 26AS का नाम बदल के, जो पहले एनुअल टैक्स स्टेटमेंट होती थी, उसे भी बदलकर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट कर दिया गया है। और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंतर्गत सभी प्रकार की स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की जानकारी, जो माना जा रहा है कि चाहे वो शेयर बाजार से संबंधित है, चाहे डेरिवेटिव मार्केट से संबंधित है, चाहे गोल्ड और ज्वेलरी से संबंधित है, चाहे रियल एस्टेट से संबंधित हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन हैं, वो आपकी अब एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में दिखाई जाएंगी। और यह इन्फॉर्मेशन जब ही आयकर अधिकारी के पोजेशन में आएगी उसके 3 महीने के अंदर ये इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी जरूरी होगी। इसके अलावा टैक्स की एक जुड़ी एक और खबर की बात करते हैं, जीएसटी की। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है अगले महीने और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इस बात पर विचार करने की संभावना है कि पिछले हबी पीरियड की, पिछले टाइम पीरियड की जो भी लेट फीस लग रही थी, जिसकी वजह है कल दाताओं के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ रहा था, जिसकी वजह है वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे थे, तो नेक्स्ट काउंसिल मीटिंग में लेट फीस माफ करने पर चर्चा हो सकती है। ये इस वक्त की जीएसटी की बड़ी खबर है कि नेक्स्ट काउंसिल मीटिंग में इस बात पर डिसीजन लिया जा सकता है कि पुराने पीरियड की जीएसटी की लेट फीस पर माफ़ी दी जा सकती है। इसके अलावा एक बड़ी खबर, वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 के चलते हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फोकस हो गया था, वर्ल्ड बैंक ने इसमें हबी इकोनमी को कहा है अब हेल्थ के बाद वेल्थ पे फोकस करने के लिए, हेल्थ के बाद वेल्थ पे फोकस करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने हबी इकोनमी को एक चिट्ठी लिख के ये कहा है कि अब इकोनमी हेल्थ के साथ साथ वेल्थ पे भी फोकस करें। इसके बाद नितिन गडकरी, जो हमारे MSME मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक और गुरुमंत्र दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर भारतीय MSME को आगे जाना है, भारतीय MSME को आगे बढ़ना है तो एकमात्र साधन है कि MSME को अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, एक्सपोर्ट को बूस्ट करना होगा और एक्सपोर्ट को बूस्ट करके ही हम अपने MSME को मजबूत बना सकते हैं और भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। ऐसा मानना है हमारे MSME मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का। मोदी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना विजन शेयर किया है, गेटिंग ग्रोथ बैक विद इंडियन कॉरपोरेट। मोदी जी ने एक खबरा कर अपने इंडियन कॉरपोरेट से बात करते हुए ये कहा है कि किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था को दोबारा रफ्तार पकड़ी जा सकती है, कैसे उसको पटरी पे लाया जा सकता है, इसके लिए उन्होंने अपना विजन शेयर किया। ये थे इस हफ्ते के कुछ इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल और बिजनेस अपडेट्स। इस तरह हम हर हफ्ते आपके लिए फाइनेंशियल और बिजनेस अपडेट्स लेके आते रहेंगे। बने रहिए मनोज लांबा के साथ। नमस्कार।